हम ह्यूमन स्पीशीज ने सिविलाइजेशन इन्वेजन कर करके इतनी बड़ी कॉलोनीज को इन्वेंट कर लिया और तुमसे बहन के लोड़ो एक बॉडी नहीं बनाई जाती है। आज की वीडियो जिम मोटिवेशन में है। बहुत सारे लोग मुझे डीएम्स करते हैं कि भैया जिम मोटिवेशन वीडियो बनाओ। देखो बहुत रॉ और रियल रखूंगा, मोटिवेशन घंटा नहीं तुम्हें कुछ चेंज करने वाली। सबसे पहले जो घर के बाहर 400 चुतियापे चल रहे हैं उन चीजों से बाहर निकलो, और जो सारा दिन अपने फोन पर मरवाते रहते हो, ना ही तुम प्रॉपर डाइट खाते हो, ना ही तुम प्रॉपर अपना 100% जिम में देते हो। मुझे ये नहीं समझ आता कि बहन जो झांड जितनी जिंदगी हमें मिली है और उसमें भी तू एक अच्छी फिजिक नहीं ना बना पाया, तो जिंदगी में बोझ है तू। लड़की भी उनके पास जाती है जिनकी कोई पर्सनैलिटी हो। पर्सनैलिटी बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, और 90% जो लौंडे होते हैं ना वो डिसिप्लिन में आते ही नहीं है। हम ह्यूमन स्पीशीज ने सिविलाइजेशन इन्वेजन कर करके इतनी बड़ी कॉलोनीज को इन्वेंट कर लिया और तुमसे बहन के लोड़ो एक बॉडी नहीं बनाई जाती है। 3 महीने में बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और तुम 3 महीने के लिए एक डिसिप्लिन में नहीं रह सकते हो, घंटा बॉडी बनेगी तुम्हारी। मेरे दोस्त सिंपल सी बात है, या तो एक बकचोदी कर ले या फिर बॉडी बना ले, दोनों चीजें साथ में नहीं होंगी। एक चीज आगे जाएगी, दूसरी चीज पीछे को जाएगी। तेरे पे डिपेंड है कि तूने क्या चूज करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपने टाइम को सेव करना सीख। सारा दिन इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब में मत वेस्ट किया कर। लाइफ का एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज तू अपने टाइम को वेस्ट करे तो टाइम तुझे कल को वेस्ट करेगा और तुझे कहीं का भी रहने नहीं देगा। बॉडी बनाने की तो बात बहुत दूर की है। और हाँ, जो ये तू एक्सक्यूज दे रहा है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, बजट कम है बॉडी बनाने के लिए, एक सिंपल घर के खाने से भी एक अच्छी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर बॉडी को चेंज करने का गुर्दा है तो सब कुछ हो सकता है, पैसा मैटर नहीं करता है। और जो तू अपने आप को कूल लौंडा समझता है ना अपने दोस्तों के सामने कि मैंने अवार्ड लिया हुआ है एज अ कूल एंड ऑसम लौंडे का, वो सब जीरो हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि हर हफ्ते चीट मील्स को खाना बंद कर, और जब भी अपने दोस्तों के साथ होता है तो चीट मील के नाम पे मुंह मारना बंद कर, नहीं तो बॉडी कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। एक बात मेरी याद रखना, जिम में हर कोई एक्सरसाइज जाके लगा लेता है लेकिन बॉडी किसी किसी की बनती है। और अपनी जिंदगी से जो 500 भंग भोसड़े चल रहे हैं ना उससे निकल और अपनी लाइफ पे फोकस कर, बॉडी भी बनेगी, पर्सनैलिटी भी बनेगी और लाइफ में कुछ अच्छा भी करेगा। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा डिसिप्लिन हो लाइफ में, थोड़ा सीरियस हो, डेफिनेटली बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी। और अगर तू चाहता है कि मैं तेरा डाइट और एक्सरसाइज प्लान प्रिपेयर करूँ तो तू मुझे इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकता है, मैं तेरे से प्रॉपरली कंसल्टेशन करूंगा और तेरा लाइफस्टाइल के बारे में जानूंगा, जिससे मैं उसके अकॉर्डिंगली तेरा न्यूट्रिशन प्लान और एक्सरसाइज प्लान में डिजाइन करूंगा। बहुत ही सिंपल चार्जेस हैं, फालतू के बहन तो हम पिज्जा और शेक्स में 500-700 खर्च कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम एजुकेशन लर्निंग और कोचिंग पे हम पैसा नहीं खर्च सकते, वहां पे हम हमेशा डिस्काउंट और लेस मांगे। सो आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।